culture habit craving and identity hey guys welcome to our channel the vocabulary i hope you all are fine and staying at home i'm very thankful for the love and support you all gave us in the previous video and today i'm super excited for sharing the vocabulary on the most talked topic that is food well yes this video is on vocabulary on food and of course there is no sincere love than the love of food Well, being a foodie, I'm here with some of the most important ingredients that is vocabulary. Now, let's bind the words and talk about the foundation of real happiness. अक्सर हम जो question पूछे जाते हैं, like do you like to cook food or do you enjoy of food etc. But in जैसे कई सवालों के जवाब हम तभी दे सकते हैं जब हम अपने words को अच्छे से use करें. So, guys, here on the screen we are having some of the vocabularies. Now, before starting the vocabulary, I would tell you vocabulary ke saath saath, uske Hindi as well as English meanings likhe hai, and the English meaning, meanings are underlined. Adding on aaj humne examples bhi likhe so that you can easily make the sentences by your own too. Starting up with the first vocabulary, ready meals. रेडी मील्स और टेक टेकअवेज मीन्स तैयार भोजन जिसे हम प्रोसेस्ड फूड भी कहते हैं इंग्लिश में इसका हम मीनिंग ये भी कह सकते हैं इट इज अ काइंड ऑफ कुक्ड मील दैट इज प्रिपेयर एडिंग ऑन यहां हम एक सेंटेंस भी बनाएंगे लाइक वेल मोस्ट ऑफ द टाइम आई ईट रेडी मील्स एंड टेक अवेज मीन्स मैं अक्सर तैयार भोजन ही करता हूँ मीन्स मैं अक्सर रेडी मील्स ही लेता हूँ Next vocabulary है घर का बना बना हुआ खाना. हम लेंगे. वो डेज पीपल आर प्रेफरिंग होम कुक्ड फूड मतलब आजकल लोग ज्यादातर घर का बना हुआ खाना ही प्रेफर करें नेक्स्ट मीन्स मुख्य भोजन जिसे हम ये भी कह सकते हैं

स्टाविंग हंग्री स्टाविंग इंग्लिश में उस चीज को बहुत ओवर स्ट्रेस करके बोला है कि आप उस चीज के लिए तड़प रहे हैं भूखे मर रहे हैं जैसे हम एक सेंटेंस बनाएंगे आई स्टाविंग हंगरी फॉर फास्ट फूड मीन्स मैं फास्ट फूड खाने के लिए तड़प रहा हूं मैं भूखा मर रहा हूं उसे खाने के लिए नेक्स्ट वोकेबुलरी इज अ बाइट टू ईट मीन्स खाने के लिए कोई भी चीज को हड़प लेना मतलब कोई भी चीज बहुत जल्दी में खाना या इंग्लिश में हम मीनिंग लिखेंगे टू ईट समथिंग क्विकली जनरली इट हैपन्स वेन यू आर इन रश जब आप बहुत जल्दी में होते हैं तभी आप ये वोकेबलरी यूज कर सकते हैं लाइक फॉर एग्जाम्पल आई ऑफन ग्रैब अ बाइट टू ईट मीन्स मैं अक्सर बहुत जल्दी मैं खाना खा लेता हूँ नेक्स्ट वो कैबलरी इज टू स्पॉइल माई एपिटाइट टू स्पॉइल माई एपिटाइट मीन्स मेरी भूख को खराब करने के लिए वेल वी शुड नॉट ईट एनी थिंग जो कि हमारी भूख को खराब करे सो so हेयर यहां हम इंग्लिश मीनिंग लिखेंगे इसका टू ईट सम दैट विल स्टॉप यू फीलिंग हंगरी मीन्स कोई ऐसी चीज खा लेना जो आपको मतलब आपकी भूख खत्म कर दे हेयर फॉर एग्जाम्पल आई हैव मेड सेंटेंस समटाइम्स आई टेक अ सैंडविच बट नॉट टू मच टू स्पॉइल माई एपेटाइट मतलब कभी कभार मैं एक सैंडविच ले लेता हूं बट ज्यादा नहीं जिससे मेरी भूख खराब ना हो नेक्स्ट वोकेबलरी इज फसी ईटर फसी ईटर मीन्स मीन मेक निकालने वाला जैसे हमको जनरली पता है कुछ लोगों के कुछ हाई स्टैंडर्ड्स होते हैं दे हैव देयर ओन वे ऑफ ईटिंग दे हैव देयर ओन चॉइसेस तो वो अगर किसी दूसरे का बना हुआ खाना खाते हैं ना तो उसमें नुक्स निकालते हैं मीन मेक निकालते हैं सो so यहाँ हम इसका इंग्लिश कन्वर्जन लिखेंगे सम्बरी हु हैज दे ओन वेरी हाई स्टैंडर्ड अबाउट वॉट टू ईट Here we have made a a sentence. I think she is a fussy eater. Means मैं सोचती कि वो एक fussy eater है, बहुत mean make निकालने वाली है Next vocabulary is, eat like, a horse. Eat like a horse means to eat a lot, बहुत ज्यादा खाना वेल well, इसका हम अगर हिंदी में कहेंगे ट्रांसलेशन इसका मतलब ये होगा कि घोड़े की तरह खाना बट साइमल्टेनियसली इट means बहुत ज्यादा खाना

दैट लीड्स यू टू बिकम हंग्री इतना काम करना कि आपको सो हेयर यू कैन मेक अ सेंटेंस आई डू अ लॉट ऑफ स्पोर्ट एंड वर्क अप क्वाइट एन वर्कअपाइट मीन्स मैं बहुत ज्यादा खेलता हूँ बहुत काम करता हूं जिससे मेरे को बहुत भूख लगती है नेक्स्ट वो कैबलरी स्लैप अप मील स्लैप अप मील मीन्स अ लार्ज मील जिसे हम फीस्ट भी कहते हैं दावत भी कहते हैं सो हेयर यू कैन मेक अ सेंटेंस I occasionally go to Bikanerwala with my family for a slap up meal if we have anything to celebrate. Means मैं अकेजनली कोई ऐसे अवसर में बिकानेरवाला जाता हूँ अपनी फैमिली के साथ फीस्ट के लिए, slap up meal के लिए, दावत के लिए, जब हमें कोई भी चीज़ ऐसी celebrate करनी हो। Now next vocabulary is to wine and dine. To wine and dine means पीने खाने के लिए कहीं भी कोई ऐसी place में जाना ठीक है वेल यहां हम इंग्लिश में इसका मीनिंग लिखेंगे टू एंटरटेन somebody by treating them to food and drink, मतलब आपने किसी को पीने खाने के लिए इनवाइट किया wherever एवर द प्लेस इज नाउ यहां हम सेंटेंस लिखेंगे हॉलीडे रेजेंसी इज द का यू वॉन्ट टू वाइन एंडिडेड के लिएबलरी इज अथरी कोर्स मील मीन्स तीन प्रकार का भोजन एक वक्त में खाना अथरी कोर्स मील मींस थ्री पार्ट सर्व्ड इन वन आफ्टर अनदर मतलब एक के बाद एक आप तीनों मील्स ले रहे हैं लाइक फर्स्ट एपरटाइजर मेन कोर्स और उसके बाद डिजर्ट नाउ यहां मैं बना लेंगे फॉर एग्जाम्पल आप नेम लिख सकते हैं वेन एवर आई गो देर विद माई फैमिली मैं अपनी फैमिली के साथ जाता हूँ तो मैं वहां थ्री कोर्स मील ऑर्डर करता हूँ नेक्स्ट वो कैबलरी है स्वीट टूथ स्वीट टूथ मीन्स शुगरी फूड खाने का शौकीन द वन हु इन्जॉय शुगरी फूड मीठी चीजें खाने का शौकीन तो यहाँ हम अपना सेंटेंस लिखेंगे एज आई a क्वाइट स्वीट tooth, सो आई ऑलवेज लुक forward टू द डेजर्ट क्योंकि मैं मीठा खाने का बहुत शौकीन हूँ इसलिए मैं हमेशा मीठा ढूंढता हूँ मैं न्यू कार्ड में नेक्स्ट वो कैबलरी इज मेक्स माई माउथ वाटर मेक्स माई माउथ वाटर मीन्स मेरे मुँह में पानी आ जाए जनरली हमारी लाइफ में हमारी ऐसी कोई फेवरेट डिश होती है जो जिसके बारे में सोचने से ही हमारे मुँह में पानी आ जाता है सो हेयर वील राइट द इंग्लिश मीनिंग टू मेक यू फील वेरी हंग्री फॉर समथिंग मीन्स कोई ऐसी चीज जो आपको बहुत ज़्यादा भूख आपकी बढ़ा दे

फुल अप मीन्स पूरा फुल खाना पूरा पेट भर के खाना टू ईट टू अ पॉइंट दैट यू कैन नो लॉन्गर ईट मोर आप उस पॉइंट तक खा लो कि आपको फिर कोई जगह ही नहीं हो रही पेट में यहां हम सेंटेंस बना लेंगे आई एम ऑलवेज टोटली फुल अप बाय द एंड मीन्स लास्ट तक मैं बिल्कुल मेरा पेट फुल हो जाता है बिल्कुल भर जाता है नाउ नेक्स्ट वोकैबुलरी इज फूट द बिल फूड द बिल मीन्स पे द बिल बिल चुकाना नाव यहां हम सेंटेंस बना लेंगे वेन एवर यू गो टू दैट रेस्ट्रां माई पेरेंट्स ऑलवेज फूड द बिल जब भी हम उस रेस्ट्रां में जाते हैं तो मेरे पेरेंट्स बिल पे करते हैं नेक्स्ट खाना टू ईट करेक्ट टाइप्स ऑफ करेक्ट अमाउंट ऑफ फूड नाव हेयर वी कैन मेक अ सेंटेंस पीपल मस्ट बी इंकरेज टू ईट अ बैलेंस डाइट टू ट्राई टू कुक फ्रेश इंग्रीडियंट्स एट होम मीन्स लोगों को इंकरेज करना चाहिए कि वो संतुलित आहार खाएं घर का बना हुआ फ्रेश इंग्रीडियंट्स के साथ घर का बना हुआ खाना खाएं नैक्स्ट वो कैबलरी इज क्विक स्नैक क्विक स्नैक मीन्स चाय नाश्ता जनरली लोग दो मील्स के बीच में चाय नाश्ता ले लेते हैं वेल दिस इज नॉट राइट वी शुड हैव अ गैप बिटवीन टू मील्स वेल हैवील राइट द इंग्लिश मीनिंग To eat a small amount of food between meals. Means, thoda thoda jo bhi China hum le rahe hai, khane ke beech mein. Now, here we can make a sentence, people often eat a quick snack. matlab log aksar China lete hai beach mein. Now, next vocabulary is, dying of hunger. Dying of hunger means, se barna, starving hungry. Now, this is again an exaggerated way of saying that you are hungry. Now here we can make a sentence. He ate his quick snack because he was bored, not because he was dying of hunger. मतलब उसने अपना quick snack लिया, वही उसने अपना Chinese तकलीफ क्योंकि वो bored था, इसलिए नहीं क्योंकि वो भूख से मर रहा था, ठीक है? So it is a general sentence. You can make it your own. Now next is bolted down. Bolted down means बहुत जल्दी खाना, to eat something very quickly. Often people just bolt it down. दे डू नॉट सेवर इट यहां हमने ये सेंटेंस बनाया मीन्स लोग अक्सर बहुत जल्दी खाना खा लेते हैं मतलब वो उस खाने को फील नहीं करते उस खाने को अच्छे से टेस्ट नहीं करते नेक्स्ट फोकैबलरी इज फॉलो अ रेसिपी फॉलो अ रेसिपी मीन्स विधि से चलना टू यहाँ हम एक सेंटेंस बना लेंगे कुकिंग इज ऑलवेज अ प्लेजर बट दिस इफ यू द फास्ट फूड एंड अदर रेस्टोरेंट स्टाफ देन यू शुड फॉलो द रेसिपी मीन्स कुकिंग हमेशा एक बहुत ही आनंद देने वाली चीज है बट अगर आपका मन कर रहा है फास्ट फूड खाना या बाहर का जैसे रेस्टोर का फूड होता है वैसा खाना तो आपको हमेशा एक रेसिपी जरूर फॉलो करनी चाहिए ना नेक्स्ट वोकेबलरी इज टकिंग इन टू टकिंग इन टू मीन्स किसी भी चीज को बहुत आनंद से खाना बहुत फील करके खाना टू ईट समथिंग विथ प्लेजर यहां हम अपने सेंटेंस लिख लेंगे सैटिस्फाइंग देन सींग पीपल यू लव टकिंग इन डू समथिंग दैट यू हैव कुक्ड योर सेल्फ मतलब कि इससे बड़ा आन, इससे बड़ी आनंद की कोई चीज ही नहीं है कि आपने जो बनाया है वो आप अपने नियर एंड डियर्स को खिला रहे हैं एंड दे आर टकिंग इन डू इट वो लोग उस चीज को बहुत आनंद से बहुत स्वाद लेकर खा रहे हैं वेल हेयर आर वो हैव एंडेड अप हमें इन सारे वर्ड्स को यूज करके नॉट ऑल द वर्ड्स बट मोस्ट ऑफ द वर्ड्स को यूज करके पैराग्राफ बनाना है एज ऑलवेज आई मेक अ पैराग्राफ फ्रॉम माय साइड सो हेयर इज द पैराग्राफ आई लव विजिटिंग माय मम, बिकॉज दैट्स द ओनली प्लेस वेयर आई गेट रिड ऑफ The ready meals. We all should prefer home cooked food as it's healthy and safe too. I feel blessed as I have my chef, my mom in my life. I call her Annapurna. When I'm at home, I don't even dare to take fast food as it may spoil my appetite. Well, who wants to miss the delicious food? Cooking is one of the things that gives the pleasure, and that is the thing that I am fond of, and I never forget to follow the recipes too. Up is just conversation. this is the most easiest way, but don't forget to get to pen down these vocabs these words are very very important for your conversation like the video then hit the like button and if you have any query let us know in the comment section and for more such videos subscribe to our channel and don't forget to press the bell icon thank you